क्लास टेंथ मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको हम ट्रिगोमेट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 9 sec² माइनस 9 tan² इसमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा sec² a माइनस 10² a, तो 9 हो जाएगा आपका ये, और इतना बराबर 1 होता है तो 1 हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशेक 90 माइनस है, तो ये तो फॉर्मूला है कोशेक 90 माइनस है सेक, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 sin² माइनस 1 बराबर से इधर माइनस में तो इधर है तो प्लस हो गया, इधर हो जाएगा आपका sin² बराबर 2 गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, और स्क्वायर है तो साइन ए बराबर हो जाएगा √1/2, तो 1 के वर्गमूल 1 होता है इसका हो जाएगा √2, तो 1/√2 साइन में जो है 45 डिग्री का मान होता है तो आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 45 माइनस 45, साइन 45 के मान और 45 के मान एक ही होता है, 1/√2² कर देंगे माइनस 1/√2² कर देंगे, दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थीटा के मान 60 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के मान, तो साइन थीटा की जगह 60 रखेंगे तो √3/2, और कॉस 60 के मान होता है 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1/2, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है सेक थीटा बराबर 25/7, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो पी निकालना होगा हमको, तो पी निकालने का फॉर्मूला 25² माइनस 7² तो हो जाएगा 576, यानी कि 24² है तो 24 हो जाएगा, पी के मान 24, तो 10 थीटा बराबर तो 24/7 आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है आपका 2 sin² बराबर √3, तो लिखेंगे sin² बराबर √3, और गुणा में है 2 तो बटा में हो जाएगा, sin² बराबर √3/2 किसका मान है, तो साइन में 60 डिग्री का मान है, किसका है जी, तो साइन 60 डिग्री का मान है ये, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा ला बराबर होता है तो थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा कॉस इधर लगा था 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर √2, 10 थीटा बराबर √2, नीचे एक छिपा हुआ है इसमें निकालिएगा तो 2² में 2 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 3 √3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा तो √3 आ जाएगा, तो इसका मान √3 हो गया, तो सेक छीटा तो h/, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है साइन बटा कॉस है जोड़ने पर 90 हो, इस तरह का सवाल आए तो उसका आंसर 1 होता है, cot² θ, तो cosec² θ माइनस 1 ए नंबर आंसर हो जाएगा, 1 + cot² θ, तो 1 + cot² θ ये आपका हो जाएगा cosec² θ, 10² 1 + 10² θ तो sec², इस तरह से आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका।